political situation in Karnataka smooth clear ani there is no truth in it at all because kumar swami himself is trying his level best to contact our MLAs. सोमवार को शुरू हुआ कर्नाटक का राजनीतिक संकट मंगलवार को और गहरा गया। कांग्रेस के संकट मोचक और कर्नाटक के सीएम कुमार स्वामी ये दावा करते रहे कि उनकी गठबंधन सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन सच ये है कि गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कुमार स्वामी सरकार को समर्थन दे रहे दो निर्दलीय विधायकों ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। निर्दलीय विधायक एच नागेश और आर शंकर ने सरकार से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब राज्य में सरकार बदलने का समय आ गया है। I would like to bring to your kind attention that I am withdrawing my support extended to the coalition government of Karnataka headed by Congress and JDS parties with immediate effect, requesting you to take necessary action. Like to bring to your kind attention that I am withdrawing my support. कांग्रेस के तीन विधायक पहले से ही मुंबई में हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी भी वक्त बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में अब राज्य की कुमार स्वामी सरकार पर खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि 224 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत के लिए 113 विधायकों का समर्थन चाहिए। अभी कांग्रेस जेडीएस के कुल 116 विधायक हैं। सरकार को दो निर्दलीय और एक बीएसपी विधायक का समर्थन भी हासिल था, लेकिन निर्दलीय विधायकों के साथ छोड़ने के बाद अब कुमार स्वामी सरकार के पास बहुमत से महज 4 विधायक ज्यादा बचे हैं। आशंका ये भी है कि बीजेपी नेता बीएसपी के इकलौते विधायक को तोड़कर कुमार स्वामी सरकार को और कमजोर करने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। इन हालात में कांग्रेस जेडीएस के नेता बखूबी जानते हैं कि कर्नाटक में उनकी सरकार पर खतरा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी वो यकीन दिला रहे हैं कि आखिरकार उनकी सरकार गिरेगी नहीं। Whatever news you wanted to create, you can create. You are free to that. Somebody has given the letter. Yes, see, what will going to happen? If two MLAs, independent MLAs, withdraw the support, what will be the numbers? I am totally relaxed. We don't have to do that. Are you confident of that, sir? Now, I told you, our government is stable. But sir, with these withdrawals, how are you? Sir, nobody would say that if there are people. The numbers are coming down, sir. कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी के 104 सदस्य हैं, जिन्हें टूट से बचाने के लिए बीजेपी गुरुग्राम ले गई है। हमारे MLAs को अपनी तरफ आकर्षण करने के लिए हर तरह के प्रलोभ उनको देना, यह जो कांग्रेस की और जेडीएस की जो राजनीतिक संस्कृति को दिखाती है। तो हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द जनता को इस प्रकार की क्राइसिस खत्म होगा। कांग्रेस और जेडीएस का आरोप है कि बीजेपी कुमार स्वामी सरकार को गिराकर विधानसभा भंग कराना चाहती है। इसके लिए खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस और जेडीएस भी दूसरे पाले के विधायकों को अपने खेमे में लाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कर्नाटक में कुमार स्वामी की कुर्सी खतरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।